बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब शराब माफिया लाइसेंसी दुकानों से शराब दोपहिया वाहन से गांव गांव तक सप्लाई कर रहे हैं। ताजा मामला ग्राम शाहपुर में देखने को मिला, जब दो एजेंट शराब की पेटियां बोरी में भरकर खुलेआम गांव गांव में डोर टू डोर शराब सप्लाई करते हुए दिखाई दिए और जब उनसे पूछताछ की गई तो बताया कि शाहपुर की शराब दुकान से खरीद कर लाए हैं और गांव गांव में इसे बेचने के लिए लाए हैं। वहीं इस संबंध में जो आबकारी विभाग अधिकारी जो वीडी शर्मा हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि मामले की जांच करके दुकान पर पहुंचकर स्टॉक देखा जाएगा और उसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, किसी ने नहीं रोका? तुम काहे के लिए रुके थे यहाँ? यह सामान लेना है। सामान लेने, माल कहाँ से लाके आ रहे हैं? अपने संजीव भाई बड़ी एकदम पर से। अच्छा, शाहपुर की दुकान से। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या नाम तुम्हारा? रूप जी। रूप जी, पिता का नाम? मांजरिया। मांजरिया, सरनेम बालेर और भिलाला? भिलाला। भिलाला, घर पे बेचते हो? अच्छा, कलाली से लेके आए? चलो ठीक है, घर लेके जा रहे थे? ठीक है। तो ये आपका माल है ना? फिर ठेकेदार का कहाँ से आया? ये आपका माल है ना? तुम्हारे पास है ना? दुकान कौन चला रहा है वहाँ पर? ये मैं चला रहा हूँ। तो ये माल संजू भाई से? तो संजू भाई से लाया, तो ये माल आपने बेचने के लिए लाया ना? कि संजू भाई बेचता है यहाँ माल? मैं बेचा। फिर लाइसेंस नहीं है इसका? लाइसेंस नहीं है सर, उनको माल लाइसेंस। ये तो अवैध है। बेचकर एजेंट द्वारा बेची जा रही है, उस पर क्या आपका क्या कार्रवाई है? इसके संबंध में आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो जो अवैध शराब के संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई निरंतर की जाती है और आगे भी अगर आप संज्ञान में लाए तो वीडियो को देखते हुए मैं इस पर कार्रवाई जारी रखूँगा। कई दुकानों पर सर बिल मेमो भी दिल दिए जा रहे हैं, उसके संबंध में ही मैं दुकानों पर जाकर निरीक्षण करके उसके संबंध में दुकानों को जो कार्रवाई होगी मैं की जाएगी।